गुजरात अंतलीज तो हमारे एक्सपर्ट्स का लगातार पसंदीदा शेयर रहा है। कई बार जय ठक्कर, सचिन जी, इन लोगों, इन दोनों ही एक्सपर्ट्स ने लगातार रिकमेंड किया है। HOCL बांग्लादेश और थाईलैंड से इंपोर्ट की जाने वाली हाइड्रोजन पेरोक्साइड पर ड्यूटी लगाने की, ड्यूटी जारी रहने की बात की जा रही है। ये है खबर इस वक्त आती हुई दिख रही इन दोनों कंपनियों को लेकर। ये सरकार की तरफ से एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ है, इस नोटिफिकेशन पर आपको करना है फोकस। तो ये है दो स्टॉक जहां पर आपको फोकस करना है। यहां पर ऑलरेडी जून 2017 से 5 साल के लिए ड्यूटी लगी थी और ये ड्यूटी जो 2022 में खत्म होने जा रही है, इसे और बढ़ाने की बात की जा रही है। घरेलू इंडस्ट्री ने इसके लिए आवेदन किया था। हमारे संवाददाता अनुराग शाह हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। अनुराग से जानते हैं क्या है खबर। अनुराग बताइए। देखिए, हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है, जो इंपोर्ट किया जाता है वियतनाम और बांग्लादेश से, थाईलैंड और बांग्लादेश से, तो वहां पर रिव्यू करने के लिए एंटी डंपिंग ड्यूटी जो है अगले 5 साल तक के लिए रिव्यू करने के लिए आवेदन किया गया है घरेलू इंडस्ट्री की तरफ से। जिस तरह से जून 2017 के अंदर ये एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई गई थी 5 साल के लिए, तो अब वापस जो है कंपनियों की तरफ से निवेदन किया गया है कि इस जो एंटी डंपिंग ड्यूटी है ये जारी रहनी चाहिए, जिससे क्योंकि एंटी डंपिंग ड्यूटी जारी नहीं रहती है तो घरेलू कंपनियों को नुकसान होगा। और इसके पीछे जो है कंपनियों ने अपना पूरा आवेदन दिया है कि क्या तर्क है और घरेलू इंडस्ट्री को बचाने के लिए किस तरह से ये जरूरी है। तो जो पिटीशन आवेदन दिया गया है वो गुजरात अल्कलीज, हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल, नेशनल पेरोक्साइड समेत तमाम 4-5 जो ये बड़ी कंपनियां हैं जिनके द्वारा ये आवेदन दिया गया है। तो ये है वो कंपनियां जिन पर करना है आपको फोकस। गुजरात अल्कलीज और HOCL, ये दो स्टॉक रहेंगे आपके लिए रडार पर इस वक्त। आइए बढ़ते हैं।